तो अभी जस्ट हम चल ही रहे थे, आई डोंट नो व्हाई इन्होंने हमें रोका, बिकॉज हमने सी राम राम व्हाट्स अप पीपल, वेलकम बैक टू आवर चैनल एस व्लॉग्स। होपफुली आप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, इवन बहुत ही ज्यादा बढ़िया होंगे। बोले क्या रहा हो रहे सॉरी 10:35 हो रहा और हम जस्ट थोड़ी देर पहले उठे हैं मैं और शिवांश, और आज हमें फिर से मैरिज में जाना, बट शिवांश नहीं जा रहा बिकॉज विनायक गया हुआ स्कूल और शिवांश का मन भी नहीं है जाने का। कल एंगेजमेंट, आज मैरिज, फिर परसों 29-30 दो दिन बाद फिर मैरिज। तो अभी जस्ट थोड़ा सा चाय वगैरह पीते हैं, दिन की शादी है और रात की नहीं होती कोई, बाकी रात को ठंड होती है। रात को जाना नहीं है अब, रात को जाना 1 तारीख की रात की नहीं आओ, ओह तो वहाँ ठंड होगी बहुत ज़्यादा। बस अभी तो थोड़ा फ्रेश होते हैं, कुछ खाते पीते हैं, चेंज करते हैं, निकलते हैं। नहाना धोना है नहीं, उठ के चल पड़ो शादी में। क्यों नहीं नहाना धोना, कल नहा ही नहीं थी मैं, देख बेइज्जती करते रहते हैं। 2-3 दिन से मैं लगातार नहा रही हूँ, अभी भी नहा लेंगे धक्के से। धक्के से क्या मतलब है? तो या दैट्स इट, और चल जल्दी खड़ी हो बेटे, टाइम नहीं है। ओके सो वी आर रेडी। या मैंने कुछ भी नहीं मतलब लाइक एकदम कैजुअल डाला, बिकॉज यू नो मेरा मन नहीं था कुछ, मैं पहले ट्रेडिशनल डाला, बट उसके बाद पापा कहते नहीं अच्छा लग रहा, मेरी फुल टू बेस थी, दूसरी बार मैंने फिर चेंज किया, फिर मेरी बेस थी, थर्ड फिर मैंने चेंज किया, फिर मेरी बेस थी, तो फोर्थ में मैंने ये तो सुना ली ना शड़प सच्ची बता रैबिट और ये सेम सलाह शड़प शिवांश, बोले लगने से कुछ नहीं होता, एक नेचुरल ब्यूटी होती है जो मेरे अंदर है। नेचुरल ब्यूटी बेटा, मुंह पे पिंपल्स की ब्यूटी है तो क्या हो गया, पिंपल भी नेचुरली होते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं शिवांश भाई, या लेट्स गो, आज फिर खाएंगे पिएंगे तैयार करेंगे मित्रों, तो चलो कैथल। वो तो ब्रह्म सरोवर पे गीता जयंती की बहुत सारी प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी है, इवन ऑलमोस्ट हो ही चुका है सब कुछ। तो अभी 2 से लेकर 19 तक यहाँ इतनी भीड़ होने वाली है कि यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं होगी। अगर जिसको नहीं पता कि ब्रह्म सरोवर गीता जयंती समथिंग ये सब क्या है, तो जस्ट गो ऑन गूगल एंड सर्च अबाउट इट। शॉप्स लगी तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, मतलब 2 से 19 रेगुलर आना जाना होगा स्पेशली नाइट को, सो या एक्साइटेड फॉर दैट। बाय साहब, चल ही रहे थे, आई डोंट नो व्हाई इन्होंने हमें रोका, बिकॉज हमने सीट बेल्ट भी लगाई हुई थी और मास्क का तो अभी तक कोई चक्कर नहीं है, बट अभी तक समझ ही नहीं आ रहा इन्होंने क्यों रोका। तो अभी मामा जी के पास कॉल करा है पापा ने, मतलब मम्मा ने की, बिकॉज मामा जी हमारे पुलिस में हैं, सो आई डोंट नो व्हाई व्हाट हैपेंड, मुझे डर लग रहा है, मुझे समझ ही नहीं आया इन्होंने रोका क्यों है यार, व्हाई व्हाई, बिकॉज पुलिस को देखे किसको नहीं डर लगता, बिना बात के रोक लिया, दोनों ने सीट बेल्ट भी लगाई हुई थी। हम तो रे रुड़ गए थे रे बीच में पता नहीं कहाँ ही खो गए थे, कम से कम 1.5 घंटे से हम कैथल में ही घूम रहे हैं, अब जाके लोकेशन मिली है, पता नहीं कौन सी रोड पे आना था, तो फाइनली ठूसना पड़ेगा। अब मेरे को इतनी भूख लग रही है ना, मतलब हद से ज्यादा, एकदम तरस गई हूँ मैं खाना खाने के लिए। पापा अंक गए अब तो यार, भाई भीड़ ही भीड़ है यहाँ, तो मेरे को नहीं लग रहा कुछ मेरे लिए बचा है क्या, देखो सब कुछ खत्म मम्मी बेइज्जती हो गई यहाँ तो। कभी किसी ने गुलाब जामुन और आइसक्रीम खाई है? बहुत अच्छी लगती है मिक्स करके खाना दोनों चीजें, मतलब ये नहीं है कि उसको खिचड़ पिचड़ बना के पहले एक जैसे इस गुलाब जामुन के पीस को आइसक्रीम से डाल के, हाँ वेरी गुड पापा खाने हैं, मैं भी खाऊंगी अभी, मम्मा बस खाना खा रहे हैं, उसके बाद थोड़ी देर बाद चलते हैं। हम खाना खाने ही तो आए थे यहाँ पे,
और बस बाकी यू नो थोड़ा पूरा ये विलेज एरिया है ना पूरा का पूरा, तो भीड़ ज़्यादा रहती है। बच्चे देखने इनको शादी से कोई मतलब नहीं, ये अपना फोन में बिजी है। तो हाँ अब तो थोड़ी बहुत भीड़ कम हुई है बिकॉज सब खाना खाने पर लगते हैं। स्टार्टिंग में तो वहाँ वो वाला एरिया घूम नहीं हो रहा और ये वाला एरिया पूरा भरा भरा था। ये फ्री हो गए हैं, बस जा रहे हैं अब सीधा घर, मिलते हैं आप सबसे। बहुत खा लिया भाई मैंने तो, सब कुछ टेस्ट करा है खाने को छोड़ के, खाना भी कर लिया वैसे। लेट्स गो। तो अभी जस्ट हमारा घर जाने का प्लान था बट बीच में नानी का घर आ रहा है हमारा, मतलब हम इस बार पुंडरी वाले रास्ते से जा रहे हैं। तो मेरी माता पुंडरी की है, तो आज नानी जी का सुबह सुबह ही कॉल आया था मम्मी के पास कि ए वो भी चक्कर मार जाना बोबो। तो जस्ट अभी हम अपनी बोबी के घर ही जा रहे हैं। मम्मा का निकनेम बोबी है और पापा का नाम भी निकनेम बोबी ही है, तो या रब ने बना दी जोड़ी वाला समथिंग हुआ था इनका सीन। तो अभी जस्ट हम जा रहे हैं नानी के घर और उनको सरप्राइज देंगे सीधा, उनको नहीं पता कि हम लोग एंटर करने वाले हैं वहाँ पे। सो या लेट्स गो। मैं भी बहुत दिनों बाद तो नहीं, अभी तो गए थे हमें से भाई दूज पे, बट या अगेन पड़ोसी है उनकी शादी थी, नानी घर पे ही नहीं है। तनिषु आ चुकी है, बेचारी कॉलेज में गई थी पढ़ने के लिए, नहीं गई थी, टैलेंट शो था कोई, नाचने नाच देखने गई थी। तो बस अभी देखते हैं थोड़ी देर, बोलना चाहेंगे कुछ आप मैम? मैम को शर्म आती है। तो अभी बेचारे ने करनाल जाना था, नर्सिंग का बेचारे का स्टार्ट ही नहीं हो रहा कुछ, यही बैठी है 4 महीने। तो अभी बस कुछ नहीं, बैठे हैं थोड़ी देर तक निकलेंगे और अभी पिज्जा ऑर्डर कराया। जस्ट किडिंग। रखो थोड़े से दिन, छोड़ दो मैं करा लूंगी। देखो मम्मी, ओए मम्मी का हाथ था। बाय ना। चलो भाई हो गया मेल मिलाप। मम्मी अपने क्लासमेट से मिल रही है। अरे मम्मी साइड तो देखने तो दो। हाँ मम्मी, मम्मी क्लास की क्लासमेट है, क्लास की होती है वैसे पापा क्लासमेट, तो मैं कह रही क्लास की क्लासमेट है। पापा आप भी मिल लो अपनी साली से। तो घर आ गए और ये शिवांश बीमार रखा है थोड़ा सा, जुकाम हो रहा है और तो कुछ नहीं। गैंग्स ऑफ वासीपुर देख रहे हैं। ते आते हम गाजर पाक भी लेके आए, पुंडरी का गाजर पाक फिरनी और घेवर सबसे ज्यादा वायरल है पूरे इंडिया च, पूरे इंडिया च। इस मूवी में ना ठीक है 1960 से कुछ से लेके शायद 2009 तक सब कुछ दिखा दिया सबके, मतलब पहले उसके पापा थे, उसके पापा को जिसने मारा, दुश्मनी होती है ना स्टार्टिंग से, जिसने मारा उसका मतलब